दुनिया में ऐसे बहुत से समुदाय और जनजातियां हैं जिनकी जीवन शैली और संस्कृति को जानने के बाद हैरानी होती है। इनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं भी अजीबोगरीब होती हैं। इनका खान पान रीति रिवाज भी अनोखे ही होते हैं। इन समुदायों का जीवन आम लोगों की तरह नहीं होता है। ऐसा ही एक अजीबोगरीब समुदाय है जहाँ मर्द औरत बनकर अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। सबसे खास बात है कि ये समुदाय इस्लाम धर्म को मानता है, इसीलिए ये दुनिया के बाकी मुस्लिम समुदायों से अलग है। इस समुदाय को वरिया समुदाय के नाम से जाना जाता है। इस समुदाय से जुड़े लोग इंडोनेशिया में रहते हैं। इस समुदाय के लोग इस्लाम धर्म की सभी मान्यताओं को उसी तरह मानते हैं जैसे बाकी मुस्लिम समुदाय मानता है। ये भी बाकी लोगों की तरह शिक्षित हों इसलिए 2008 में इस समुदाय के लिए जकार्ता में मस्जिद बनवाई गई और एक मदरसा भी बनवाया गया। इंडोनेशिया को दुनिया भर में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी के लिए जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस समुदाय से जुड़ी और भी रोचक बातें। वरिया एक इंडोनेशिया शब्द है। इस शब्द का अंग्रेजी वर्ड वारिया है। इस शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो न तो स्त्री होते हैं और ना ही पुरुष होते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की दाई भी वरिया समुदाय से संबंध रखती थी। दरअसल बराक ओबामा के जीवन का काफ़ी हिस्सा इंडोनेशिया में बीता है और इस दौरान उनकी देखभाल वरिया समुदाय की दाई ही किया करती थी। इस समुदाय में रहने वाले लोग ट्रांसजेंडर होते हैं। समुदाय में लोग पुरुष पैदा होते हैं लेकिन पूरी जिंदगी औरत बनकर रहते हैं। यही कारण है कि इस समुदाय का नाम वारिया है। ये समुदाय ऐसा जीवन इसलिए जीते हैं क्योंकि इनका जन्म तो बायोलॉजिकली पुरुष होता है लेकिन इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इनकी आत्मा महिला की है। यही मुख्य कारण है कि ये अपना पूरा जीवन एक महिला बनकर बिताते हैं। इन्हें बचपन से महिलाओं के कपड़े और उनकी तरह श्रृंगार करने की आदत लग जाती है।